तो गाइस करीब करीब दो हफ्ते के इंतज़ार के बाद फाइनली अपना पीसी आ गया। और घर में घुसाने से पहले इसको थोड़ा सा, चल भाई अब आ जा तू कमरे में। अच्छा भाई बहुत बहुत जो तो परिश्रम की बहुत। What's up guys? Good morning everybody. Welcome back to another video. Yes! मैं जानता हूँ मैंने बहुत दिन पहले तुम्हें बोला था कि मेरा नया पीसी आ रहा है और पीसी इतने टाइम से आया नहीं, पता है तुमने गाली रोज गाली दे तो कब आएगा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मीम बना दिया था कि रॉनी का पीसी स्यूज कनाल में अटक गया। तो स्यूज ही बोलते हैं ना, पता नहीं कुछ और बोलते, मेरे को मालूम नहीं है। तो एनीवे अपना पीसी फाइनली आज अपने पास आ चुका है। बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको पहुंचने में। ओ भाई इसको कितना टाइम लगाया देखो, अरे फाइनली पहुंच चुका है। फाइनली पीसी अपने पास है तो अभी पीसी को हम लोग खोलने वाले हैं। खोल के इसको लगाएंगे, उस पर खेलेंगे मजेदार गेम्स। तो शुरू करते हैं। और इसको पूरा खोलने के बाद गाइस ये ऐसे ऊपर रहना ये कुछ दरवाजे की तरह खुल जाता है। I can't wait to see this new beast. This PC guys you can call my dream PC. Oh, ये इसका केबल है और ये तो थैली का ही को दिया है, तो कुछ तो रहेगा थैली में। और ये क्या है? अच्छा कुछ एक्स्ट्रा तार वार है। अच्छा ये तार किसका है? आई थिंक सो ये हार्ड डिस्क लगाने का तार है। आई डोंट नो बट आई थिंक सो कि इस तार से, हाँ ये हार्ड डिस्क लगाने के तार है आई गेस। मेरे को पता नहीं है, नहीं हो सकता है तो मुझे गाली मत दो। मेरे को नहीं आता पीसी बिल्ड करना, ठीक है? मेरे को सिर्फ पीसी पे गेम खेलना आता है। ओके इनको साइड में रख देंगे। और अब मैं इसको बाहर कैसे निकालूं साइड से? ओके इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सा रैप किया है। सो, जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था और इतने टाइम से ढूंढने के बाद मुझे ऑलमोस्ट पकड़ लो इसके जो पार्ट्स है वो मुझे नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद फाइनली ये सारे पार्ट्स मुझे मिले एक शॉप में जो कि है दिल्ली में और इनका नाम है SMC इंटरनेशनल। और उन लोगों के पास सारे पार्ट्स थे, उन लोगों ने पूरी पीसी बना दी और पूरा पीसी बना के भेज दिया। और ये पीसी दिल्ली से आया तो पीसी ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है। और थैंक्स टू SMC फॉर गेटिंग मी दिस पीसी। ये जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया किया है। आई जस्ट होप सो कि अंदर कुछ डैमेज ना हो गया हो। बस अंदर कुछ डैमेज ना हुआ हो यार, प्लीज अंदर कुछ डैमेज ना हुआ यार। बहुत 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 सही यार, बहुत अच्छा पीसी यार, प्लीज यार, नहीं यार, नहीं प्लीज। नए पैकेजिंग की खुशबू आ रही है। बहुत ही उम्दा थैलीबाजी की है इन लोगों ने यहाँ पर। ये जो बबल रैप है इसमें इतना कोटिंग लगाया इसका कि इसको मैं कम से कम एक साल तक फोड़ेगा। और ये नीचे क्या है? वो कुछ किताबें दी गई है। वो ये क्या है? क्या चीज है ये? पता नहीं ये क्या है। ओ आई थिंक ये वो हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। एक CD दिया है। कौन CD कौन यूज करता है यार आजकल? कुछ पुस्तकें दी गई है जो हम नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए इतना। ओ अरे भाई ये क्या किताब दिया है? ये बुक देख के मुझे स्कूल की याद आ रही है कि पढ़ाई करेंगे इस किताब को लेकर। नाइस, गुड इंस्ट्रक्शनल किताबें। तो अभी जल्दी ये पूरा बबल रैप निकालते और पीसी को बाहर निकाल के देखते। पर मेरे को अभी तक पता नहीं ये किस काम का है। इन लोगों ने साथ में मैग्नेट भी दिया है खेलने को। नाइस भाई कितना बबल रैप दिया है। मैं कब से खोले जा रहा हूँ, ये निकलने को तैयार नहीं है। पूरे डब्बे से बबल रैप निकाल दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव फन गाइस। ओके सॉरी, खोल रहा हूँ पीसी खोल रहा हूँ। सॉरी थोड़ा मजा कर रहा था ना यार, ठीक है ना? जान लोगे क्या बच्चे की अभी थोड़ा मजा करने के लिए। That's our first look of the new beast. I don't know, सब लोग अपने अपने पीसी को बीस्ट क्यों बुलाते हैं? बीस्ट गाइज आई वुड लाइक टू कॉल आउट अगेंस्ट सेक्सिज्म इन द गेमिंग इंडस्ट्री। मैंने ऐसा बहुत देखा है, सब लोग अपने अपने सिस्टम को लड़का बोलते हैं, सब लोग बीस्ट बोलते हैं, कोई अपने सिस्टम को बीस्ट नहीं बोलता है। हाउ आर यू अज्यूमिंग योर सिस्टम इज अ मेल? हाउ आर यू अज्यूमिंग इट्स अ बीस्ट? व्हाट इफ योर सिस्टम इज अ बीस्ट नी? तो दैट्स इट गाइज, हमारे सिस्टम को हम बुलाएंगे बीस्ट नी। क्या हा गाइस, इसको ऐसा पकड़ के बाहर किसने गया? थर्मोकोल टूट के हाथ में आ गया। आई थिंक मेरे को पूरे डब्बू को काटना पड़ेगा। ओके, मैंने इसको दूसरी तरफ से खोला है तो यहाँ पर आप बीस्ट नी का शक्ल देख सकते हो जो दिख भी नहीं रहा है। इसको बाहर कैसे निकालूं मैं? इसको बाहर निकालने की सुविधा किधर है? हेलो गाइस, अरे देवा
ये सिस्टम अच्छा तो लग रहा है प्यारा सा, पर इसको बाहर निकालने की सुविधा किधर है? इसको बाहर कैसे निकाले हम? क्या पूरा काट के निकाल दूं क्या बाहर? आई थिंक वही करना पड़ेगा, इसको यहाँ वहां से पूरा काटना पड़ेगा। लेट्स डू इट। 5 minutes later। शैतान जैसा डब्बा काटा है, शैतान जैसा। ओह दैट वाज द इजीएस्ट तरीका, ये ऐसे काटना सबसे इजी था। बाय द वे मेरे घर का हालत देख रहे हो, मम्मी आएगी तो जो पिटूंगा ना मैं आज। मैंने ये थर्मोकॉल निकाला और मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा पीसी उल्टा है। ये इसका पैर ऊपर है, अब मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा फिर से। वेट व्हाट, पीसी के डब्बे में पीसी के साथ साथ ये कौन आए हैं? ओ भाई, तो पीसी के साथ साथ हमारे पास एक कॉकरोच भी आया है। पर एफ्स इन द चैट गाइस, आरआईपी कॉकरोच। ओके गाइस, हमने हमारे पीसी को सीधा कर लिया, ये है हमारी। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ओ शिट, जब मैंने ये व्हाइट कलर पहले सिलेक्ट किया था तो मुझे लगा था कि व्हाइट कूल लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक दो वीडियोस देखे और मुझे लगने लगा कि व्हाइट कलर थोड़ा सा गंदा दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हाइट कलर ज्यादा गंदा जल्दी होता है और मेरे बहुत डस्ट होता है, बहुत ओवर डस्ट होता है मेरे इधर। तब मैं एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैंने सही डिसीशन लिया व्हाइट कलर का केस लेके। पर अब जब इसको मैं खोल रहा हूँ, आई डू नॉट क्वेश्चन इट एनीमोर। क्या लग रहा है यार, ओ भाई क्या प्यारा लग रहा है। मतलब मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने अपने लाइफ में इतना मोटा पीसी देखा है आज तक। ओके, जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं और देखते हैं। ओके गाइस, अनबॉक्सिंग हो चुका है और ये है हमारी बीस्टनी। ओ ये क्या मस्त लग रहा है यार, ये व्हाइट कलर में कितना प्यारा लग रहा है। सो इसमें ये मेश वाला मैंने लिया है क्योंकि मुझे ये ऐसा मेश चाहिए, क्योंकि मेरे इधर बहुत डस्ट होता है और ये डस्ट अगर अंदर चला गया साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक मैं चालू नहीं किया है, इनफैक्ट इसके अंदर इन लोगों ने कुछ तो डाल कर दिया है। आई थिंक ये जो भी है ये इंश्योर कर रहा है कि अंदर कुछ पार्ट्स डैमेज ना हो। सो अभी इसको खोलते हैं, अंदर से इसको निकालते हैं और देखते क्या है। बाय द वे मेरे ये सीपीयू में 2 हार्ड डिस्क है, इसमें मेरे सारे फाइल्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन हार्ड डिस्क को यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पर लगा दूँ। सो मेरे को वो देखना है कैसे करना है और इसको खोल के देखते पहले। ओके, मैं अभी कंफ्यूज हूँ इसको खोलते कैसे। ये इधर हिंजेस है जिससे आई थिंक, अच्छा हाँ ये दरवाजे की तरह खुलता है, पर इस चीज को खोले कैसे? यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बटन है कुछ खोलने के लिए? ये बटन से खुलता कैसा ये गोटिया? अभी कैसे खोलूं इनको मैं? ओ शिट, इनमें भी हिंजेस है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन्हें खोलते कैसे। आई विल बी राइट बैक। ओके, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं फाइनली समझ गया इसको करना कैसे। ये जो नीचे का है, पहले हमें इसको खोलना है। यहाँ पर एक हिंज है, उसको पकड़ के इसको ऐसे ऐसे नीचे खींचना है जिससे ये खुल जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर से पकड़कर इसको इस तरह से खींचना है तो ये कांच दरवाजे की तरह बाहर आ जाएगा। नाइस। ओ बाय द वे, इनमें हार्ड डिस्क की ट्रेस इधर ही है, तो मेरे को हार्ड डिस्क लगाने में बहुत आसानी होगी। पर अभी गाइस, लेट्स रिमूव इट। इसके अंदर है क्या? ओके, अब मेरे को डर लग रहा है कि इसको निकालने के चक्कर में तोड़ ना दूं पीसी को। ओके, इसको दो हाथ से निकालते पहले। ओके, तो अपना पूरा सीपीयू हमने खोल लिया है। यहाँ पर जो चीज था वो प्रोटेक्शन के लिए था कि ग्राफिक कार्ड यहाँ से ऊपर नीचे ना हो जाए, और आई थिंक इट डिड अ प्रीटी गुड जॉब। और ग्राफिक कार्ड एकदम जगह पे सॉर्टेड है। अभी सीन ऐसा है कि मेरे जो करंट सीपीयू है इसमें 2 हार्ड डिस्क है जिसमें मेरा सारा फाइल्स है, और उस हार्ड डिस्क को मुझे लगाना इधर है। अब हार्ड डिस्क ये जो बे है ये इसमें घुसाना तो आसान है, पर इसका जो वायरिंग है वो कैसा करने का? आई थिंक इसका वायरिंग पीछे रहता है। ओके, सो पीछे के साइड को हमें खोलना है, और पीछे के साइड को खोलकर हमें इसका हार्ड डिस्क का वायरिंग करने का है। तो इसको इस तरह से खोल लेंगे और कोई बात नहीं, मतलब अरे वो फाइल्स तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, अरे कोई प्रॉब्लम की बात ही थोड़ी ना है, फाइल्स तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इट्स ओके, मतलब वी विल स्टार्ट न्यू, ठीक है, वी विल स्टार्ट न्यू, हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। मेरी ना सच बताऊं पीसी बनाने को फटती है, मेरे को ये अंदर के पार्ट्स में हाथ लगाने को मेरी बहुत फटती है। मैं इन सबसे जितना दूर रहूं उतना सेफ है, बिकॉज मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं है किधर क्या हाथ डाल देगा, पूरा पीसी फट जाएगा और फिर चालू भी नहीं होगा। मेरे को नहीं करना, नहीं चलेगा, बिना हार्ड डिस्क के चला लेगा, मैं सब कुछ मैं फिर से डाउनलोड करेगा, पर नहीं मैं ये सब नहीं कर रहा भाई, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरे को डर लगता है मैं नहीं कर रहा हूँ, खराब खराब हो जाएगा। अभी इधर एक लफड़ा है कि सामने ये 2 बटन क्या करता है, सी और एम। ओ आई थिंक ये गेम में अगर कोई हगा उसको गाली देने काम आएगा। ओह माय गॉड, आई गेट इट नाउ।
और इसमें ये क्या है, हेडफोन माइक का एक ही खड्डा दे दिया, मतलब सब कुछ वही लगा दो। नाइस। ओके, सो अभी अपना अगला लफड़ा क्या है, मेरा जो करंट सीपीयू है वो यहाँ पर रहता है और ये यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर इनफ जगह है ही नहीं कि ये बैठ सके, ये साइड से गिरेगा बाहर, या तो साइड से गिरेगा या तो ये पूरा यहाँ तक चिपक जाएगा, तो आई थिंक मुझे अब इसको डेस्क के ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ, मुझे पास सीपीयू रखने का जगह ही नहीं है डेस्क पे। ये पीसी को लगाने के लिए मुझे पूरा सेटअप ही लाना पड़ेगा, मेरे माइक को मुझे इस तरफ से इस तरफ लेके आना पड़ेगा, बहुत काम है। चलो चालू करते हैं। ओके, सो अभी इस पीसी को कनेक्ट करने के लिए मुझे मेरे पूरे सिस्टम को, मेरा जितना भी मॉनिटर है, मेरा माइक, सब कुछ को मुझे उठा के सरकाना पड़ेगा और इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं कैसे जगह बनाएगा इन सबके लिए। ये धूल देख रहे हो, ये लास्ट मैंने सफाई आई थिंक एक महीने पहले की थी, एक महीने में ये हालत है। ओके, सो पीएस यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पर सीपीयू आएगा नया वाला और सारे वायरिंग्स इससे निकल के ऊपर आ जाएगा और मुझे साफ भी करना है, ये कचरा नहीं चाहिए। ओके, सो मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया है, इस पे पावर केबल लगा दिया है, मैंने कीबोर्ड माउस अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, मुझे बस इसको बूट करके टेस्ट करता है कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं। ओ आई थिंक मुझे इसके लिए माउस लगाना पड़ेगा। ओके, माउस लगा लिया, टाइम टू सी। ओके, चालू हो जा। अबे क्या गलत कर दिया मैं? ओ ये कुछ, ओ ओ मैंने ये बटन ऑन ही नहीं किया था, अंदर कुछ भी लाइट नहीं जला। अबे ग्राफिक कार्ड में भी लाइट जल रहा है, ऊपर के पंखे, ओ ओ बोलते चालू हो गया लाइट। नाइस। ओके गाइस, अपना फर्स्ट बूट, मैंने अभी तक कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। ओके, सो गाइस पीसी पूरा सेटअप हो चुका है, सब कुछ चालू हो चुका है। अब इस पीसी में ना लाइटिंग्स का जो जुगाड़ है वो मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम चला गया, बट आई फिगर्ड इट आउट। रुको, तुम लोगों को लाइटिंग दिखाता हूँ इसका। ओहो, क्या प्यारी लग रही है लाइट से अंदर की। अभी ऑफ कोर्स तुम लोग मुझे बोलोगे रॉनी यहाँ पे ये प्लास्टिक का नहीं निकालते हम प्लास्टिक वेस्टिक, ठीक है, वो प्लास्टिक जब तक फटके गिर ना जाए तब तक वो प्लास्टिक नहीं निकलेगा। तो आइए दोस्तों, आपको इस नए पीसी का थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट दिया जाए। पूरे सिस्टम का सबसे मजेदार चीज, यहाँ पर ऊपर तो बटन दिया है जिससे मैं ये सामने के लाइटिंग को चेंज कर सकता हूँ, तो इससे हम अलग अलग रंग लगा सकते हैं, और ये दूसरे बटन से हम यहाँ पे दिवाली कर सकते हैं। मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, दिवाली के दिन मैं खिड़की पे लाइट वाइट नहीं लगा रहा, मैं सीधा इस पीसी को लेगा, इस सीपीयू को उठाएगा, खिड़की के बाहर लटका देगा, हो गया मेरा दिवाली, मेरा कंदील लग गया, सब कुछ हो गया, दिवाली डन। तो मैंने आज तक लाइफ में जितना भी नया पीसी या लैपटॉप या कुछ भी लिया है, हर चीज में सबसे पहला गेम जो मैं ट्राई करता हूँ वो है काउंटर स्ट्राइक। एक जमाने में इट यूज्ड टू बी काउंटर स्ट्राइक 1.6, फिर इट यूज्ड टू बी कंडीशन 0, एंड नाउ इट इज ग्लोबल ऑफेंस। CS:GO ट्राई करेंगे खेल कर कि CS:GO कैसी चल रही है। सो एक मैच सर्च कर लेंगे। ओह, इट फील्स सो स्मूथ ऑलरेडी। किधर बंदा है? थोड़ा टाइम लगेगा अपने को सेंसी पे हाथ उठाने को। ओ भाई बहुत ही ओ अबे काट ला ताला यार, क्या जिद्दी लोगो यार, क्या किल चोर यार, एक नंबर का यार। ओ मेरा क्रॉस एयर भी गया। गाइस मैं माइनक्राफ्ट डाउनलोड करने को आया और माइनक्राफ्ट मुझे बोल रहा है तुम वेरीफाई करो कि तुम एक असली इंसान हो। पिक अ डाइस विद द सेम आइकन फेसिंग अप, मतलब सब तो अलग अलग है। ओ आई गेस समझ गया, मेरे को मुझे एक स्लेट करना है और फिर मुझे अलग अलग फ्रेम पे जाना है और हर एक फ्रेम पे मुझे अलग अलग स्लेट करने का है। डन।
तो हम सबसे इजी चूज करेंगे, सबसे इजी है ये वाले, ये दोनों के दोनों सेम है, तो हम लोग को यही चाहिए हर बार। ये पहला चूज कर लिया, दूसरे वाले में भाई वो तो है ही नहीं भाई, यहाँ तो कहीं भी नहीं है वो, यहाँ पर एक कोने में, तो ये कर लेंगे। इसमें आई थिंक ये, मतलब मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें तो वो चीज है ही नहीं, इसमें वो चीज है ही नहीं, ओ आई थिंक ये इधर है भाई। ये कौन सा वेरिफिकेशन है ऐसा भाई, ऐसा लग रहा है मैं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेगा इसके बाद। तो इसमें तो इधर भी नहीं है, आई थिंक इधर छुपा के रखा है, दिख नहीं रहा है मेरे को। Whoops, that's not quite right. Next time pick the dice pair with the same icon facing up. अबे तुम लोग देते ही नहीं हो ना सेम आइकन दो बार। अबे गधे हो क्या, तुम्हें समझ रहा है इसमें करना क्या है? फिर से ट्राई करेंगे फिर से। तो इस बार हम लेंगे ये दो आइसक्रीम, ठीक है ध्यान से देखो, ठीक है हम दो आइसक्रीम ले रहे, ठीक है पीला और काला आइसक्रीम, नीला और काला आइसक्रीम, ठीक है। अगले स्लाइड में आइसक्रीम है ही नहीं, तुम्हें कहाँ दिख रहा है आइसक्रीम? अबे किधर है आइसक्रीम भाई, पागल है क्या माइनक्राफ्ट वाले? So guys, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप सो आपको मेरे इस नए पीसी के अनबॉक्सिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।